बरेली के थाना कैंट की नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां में मंगलवार की रात एक युवक की 11,000 हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। बुधवार की सुबह लोगों ने उसका शव छत पर देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना फौरन ही पुलिस को दी गई। इसके बाद पहुंची थाना कैंट पुलिस ने शव का पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस युवक की मौत हुई उसका नाम काशिव बताया गया है। बताया जा रहा है कि काशिव नशे का आदी था और इसी के चलते वो चोरी चकारी करके नशीले पदार्थों का सेवन किया करता था। मंगलवार की देर रात भी वो चोरी करने के लिए ही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी गुड्डू के मकान की छत पर पहुंच गया था, जहां से छत पर से लोहे की फोल्डिंग चारपाई चुराने के दौरान ही मकान के ऊपर से गुजरती हुई हाईटेंशन लाइन की चपेट में काशिव आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस तार की चपेट में आने से काशिव की मौत हुई वो तार भी टूट गया था।